हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं स्किड्स। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए इस स्किड्स चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूं ठीक हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक नया तरीके का एडिटिंग। नया बोलने के मतलब नया कुछ इफेक्ट डालेंगे एंड नया कुछ करेंगे, ठीक है गाइस। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एडिटिंग करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ हटके करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं आज सिंपली एडिटिंग करूँगा लाइट रूम से एंड पिक्सर से, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को सिंपली दिखा देता हूँ कि कौन सी पिक्चर को मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो पिक यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसी पिक के ऊपर मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं इस पिक को सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइट रूम के अंदर एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग एडिटिंग कर सकते हो पिक्चर को, ठीक है। तो मैं पहले रिटचिंग कर लूँगा थोड़ा लाइट रूम में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आने में टाइम लग रहा है पिक, तो यहाँ पर देख सकते हो पिक आ गया है यहाँ पर गाइस। तो वीडियो पसंद आती है तो दिल से एक लाइक कर देना गाइस, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ही लाइक कर दो, अच्छा लगे या ना लगे ये नहीं है, ठीक है। अगर पसंद आती है तो कर देना एंड नहीं आती तो क्या बताए यार, क्योंकि सबका मन तो एक नहीं होता है ना, सबको एक जैसा एडिटिंग पसंद नहीं होता है, तो सबका मन अलग अलग है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है एंड अपने फ्रेंड लोगों को बस शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो करना होगा आप लोगों को, पहले यहाँ पर देख सकते हो ये लाइट वाला ऑप्शन में आप लोगों को आना होगा एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एक्सपोजर को थोड़ा सा मतलब 10 इंक्रीज कर देना है, ठीक है गाइस। और कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करना है लगभग 13, ठीक है। और हाईलाइट को थोड़ा सा कम करना है गाइस, लगभग मैं 28 कम कर देता हूँ एंड शेडोज को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एंड वाइट को यहाँ पर कम करना है एंड ब्लैक को यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ का काम हो गया है, अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कलर वाला ऑप्शन है, कलर वाला ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को टेम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है लगभग 16, ठीक है। 16 डिक्रीज़ कर दिया हूँ एंड टिंट को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, ठीक है, लगभग 12 कर देता हूँ गाइस, ठीक है। एंड जो वाइब्रेशन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, मतलब 10 करूँगा या 9 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गया है, इसका काम भी हो गया है। अब जाऊँगा मिक्स बलेट टूल में। तो मिक्स बलेट टूल में आने के बाद यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है कुछ इस तरीके से एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई करना है, ठीक है। एंड लेमिनेशन को 0 पर रख देते हैं एंड जो ऑरेंज कलर है वहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सेचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, ठीक है गाइस। डिक्रीज़ करने के बाद क्या होता है कि फेस का जो कलर देख सकते हो, जो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कैसा था, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही रेड एंड ऑरेंज दिखा रहा है। तो यहाँ पर सेचुरेशन को कम करने पर यहाँ पर व्हाइट जैसा दिखेगा फेस, इसलिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो लेमिनेशन का ऑप्शन है उसको भी इंक्रीज़ कर देना है ताकि और भी व्हाइट दिखे, इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो गया है। तो आप लोगों को जितना व्हाइट करना है उतना कर सकते हो लेमिनेशन को इंक्रीज़ कर। और उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में, ठीक है गाइस। तो इसका सेचुरेशन को फुल डिक्रीज़ कर देंगे एंड यहाँ पर काम हो गया है। अब आ जाऊँगा ग्रीन इफेक्ट में और ग्रीन में आने के बाद आप लोगों को सेचुरेशन को इसका भी एकदम डिक्रीज़ कर देना है गाइस। एंड यहाँ पर जो स्काई कलर है इसका भी फुल डिक्रीज़ कर देना है एंड जो यहाँ पर ब्लू इफेक्ट है इसको भी एकदम डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है। एकदम नहीं, कुछ डिक्रीज होगा, मतलब लगभग यहाँ पर 75 डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर पिक हो गया है, मतलब यहाँ का पिक हो गया है, मतलब यहाँ का काम हो गया है। तो अब कर देता हूँ डन और डन करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सिंपली क्लियरिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि हमारा जो पिक है उसका जो क्लियरिटी है थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से 21 कर लेता हूँ एंड जो विंटेज वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे गाइस, ठीक है। 50 या 55 कुछ कर लेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो मैं अपने मुताबिक से कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अपने पिक के मुताबिक से आप लोग भी कर लेना, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कर दिया हूँ। अब चला जाता हूँ यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, पिक का जो स्मूथनेस होता हो वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो नॉइज़ रिडक्शन जो ऑप्शन है इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पर जितना इंक्रीज़ करोगे उतना ही स्मूथ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 53 ही रखता हूँ, एंड यहाँ पर जो कलर नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी इंक्रीज़ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो काम था वो हो गया है। अब चला आता हूँ यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को आना है यहाँ पर क्रॉप पर, ठीक है गाइस। और क्रॉप पर आने के बाद यहाँ पर जो लिफ्ट शैडो दिख रहा है यहाँ पर इसको, मतलब इस इफेक्ट को लगा देना है, उसके बाद कर देना है डन गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गया है। और एक काम बाकी है यहाँ पर जो करना है आप लोगों को, तो इस वाले ऑप्शन में आप लोगों को आना है, एंड आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर आर्टिस्टिक 04 नाम से, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इफेक्ट। तो इसको भी थोड़ा सा मैं यूज़ कर लूँगा गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़ कर लिया हूँ, एंड यूज़ करने के बाद देख सकते हो जो फेस का कलर है वो फिर से चेंज हो गया है, मतलब ऑरेंज हो गया है। तो फिर से मैं कलर में जाऊँगा, एंड यहाँ पर मिक्स वाले टूल में जाऊँगा, एंड मैं थोड़ा सा जो फेस है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लूँगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया हूँ, एंड इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ गाइस, ताकि फेस का जो कलर है वो एकदम सही दिखे। तो यहाँ पर देख सकते हो गया है। तो कर देना है डन, और डन करने के बाद यहाँ पर ऑल कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पर पिक अब मैं सेव कर लूँगा, ठीक है गाइस। और सेव करने के बाद जाऊँगा पिक्सआर्ट में। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पिक यहाँ पर सेव हो चुका है सिंपली। तो मैं यहाँ पर बैक जाऊँगा, और बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली पिक्सआर्ट ओपन कर लूँगा गाइस। तो आप लोग भी पिक्सआर्ट ओपन कर लेना, एंड पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद मैं उस पिक को यहाँ पर ले आऊँगा। तो इस पिक को मैं यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर ले गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली इंपोर्ट हो गया है गाइस। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर जो ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है ये ऐड फोटो, यहाँ पर जाना है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर सिंपली चला जाता हूँ, एंड जाने के बाद यहाँ पर कुछ PNG है जो लगाऊंगा मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसका भी लिंक, मतलब ये PNG का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो सिंपली वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका जो ब्लाइंड मोड है उसको मैं यहाँ पर स्क्रीन कर लूँगा, एंड कुछ इस तरीके से जूम कर लूँगा गाइस, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे ठीक दिखाई दे वहाँ पर बिठा लूँगा कुछ इस तरीके से, एंड ये रिमूव वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हार्डनेस को फुल कर दूँगा, एंड साइज को फिक्स कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो हिस्सा बॉडी के ऊपर आ रहा है उसको मैं कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूँगा गाइस। तो आप लोग भी कर लेना, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ यहाँ पर। सो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर रिमूव कर लिया हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से कर लेना गाइस, ठीक है। और जो सेकेंड वाला PNG लिंक, मतलब जो सेकेंड वाला PNG है, इसका ब्लाइंड मोड को भी चेंज करूँगा, स्क्रीन कर दूंगा गाइस, एंड इसका ब्लाइंड मोड को भी स्क्रीन कर दूंगा। मतलब जितना भी PNG है उसका ब्लाइंड मोड को आप लोगों को स्क्रीन पर रखना है, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं ये PNG को जूम कर लूँगा थोड़ा, एंड कुछ इस तरीके से बिठा दूँगा यहाँ पर। तो पहले ये वाला PNG सेट कर लेता हूँ। तो ये वाला PNG मैं इधर बैठाऊँगा ताकि और भी अच्छा लगे ये पिक। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सिंपली यहाँ पर लगा दिया हूँ, एंड ये वाला PNG को मैं सिंपली यहाँ पर लगाऊंगा गाइस छोटा करके, ठीक है। एंड ये वाला PNG को सिंपली मैं यहाँ पर बिठा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पिक जो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से पिक को, मतलब एडिटिंग कर सकते हो अपने पिक को। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक करके जाना यार। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेता है उसके बाद एडिटिंग भी सीख लेता है लेकिन लाइक नहीं करता है, बहुत लोग निकल जाता है। तो भाई आप लोगों का जो एक लाइक है वो एक लाइक मेरे लिए बहुत है गाइस। वो एक लाइक से मुझे बहुत ही इंस्पायर होता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। अगला वीडियो मैं जो बनाता हूँ ना, तो आप लोगों का लाइक कमेंट देख कर ही बनाता हूँ। तो अगले वीडियो में जो मुझे कमेंट मिला था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया थे, मतलब देख कर यार दिल खुश हो गया, मतलब दिल मेरा पिघल गया है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए खास करके, ठीक है गाइस। तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है गाइस। तो और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा गाइस, जो और एक चीज़ है ये मेरे बारे में ही है, मतलब मुझे भी थोड़ा हेल्प कर दो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग अगर फेसबुक मतलब यूज़ करते हो तो यहाँ पर फेसबुक में आना,
ठीक है। तो फेसबुक, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं अपन नेट ऑन कर लेता हूँ गाइस। और आप लोग का अगर फेसबुक अकाउंट है तो मुझे यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो कौन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब यूट्यूब से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, मतलब ऑन के फ्रेंड पेंडिंग में है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर प्रोफाइल में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना, और यहाँ पर आप लोगों को दो पिक मिलेगा, ये जो दो पिक है, ये पिक और ये पिक, ये दो पिक में न्यू यहाँ पर फ्यूचर पिक में लगाया हूँ। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आना है, एंड आने के बाद सिंपली आप लोगों को एक लाभ रिएक्शन देना है। देख सकते हो यहाँ पर लाभ रिएक्शन दिया हुआ है। लाभ रिएक्शन देने के बाद सिंपली 5 कमेंट कर देना रेंडमली आप लोगों को जो पसंद आए, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग मुझे मतलब YouTube से हो, तो मैं सिंपली आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा। और जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, तो शायद अगर नहीं भी मिल सकता है ना, तो नहीं मिलेगा तो समझ लेना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा होगा। तो अगर जिस लोग भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो सेंड कर देना, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।